बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे और वो है थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी कि प्लेटलेट की तादाद में इजाफा होना। दोस्तों, प्लेटलेट्स इंसान के खून के अंदर गर्दिश करते प्लेट की शक्ल के छोटे छोटे जर्रे होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम जिस्म में खून के इनखला को रोकना, यानी कि जहाँ कहीं खराश हो या जख्म और खून रसने लगे, वहाँ खून जो इनखला है, उनकी जो रसना है, उसको रोक लेता है। जिससे में जहाँ खून का इखराज हो, ये प्लेटलेट्स उस मुकाम पर पहुँचकर वहाँ बंद बांध देते हैं। खून का ये इखराज बिरूनी भी हो सकती है और अंदरूनी भी हो सकती है। जहाँ खराशें या जख्म पैदा हों और खून रसने लगे, प्लेटलेट्स खून को रसने या खारिज होने से रोकते हैं। जिस्म में इनकी ज्यादती या कमी दोनों सूरतों में अमूमी तौर पर किसी बीमारी की अलामत होती है। किसी इंसान के जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद 10 या 25,000 तक अगर गिर जाए, तो मरीज को प्लेटलेट्स लगाकर उनकी तादाद को बढ़ा दी जाती है। दोस्तों, अगर ये तादाद 7 लाख, 10 लाख या 11 लाख या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? क्या इस तादाद को कम करना और नॉर्मल हद तक ले आना मेडिकल साइंस में कोई मेडिसिन है? आप में से कोई भी बता सकता है क्या इस मेडिकल साइंस में इसका कोई मेडिसिन है? बिल्कुल नहीं है। और याद रहे कि मैं इस वक्त जो है आप लोगों को प्लेटलेट की तादाद को कम करने की बात कर रहा हूँ, बल्कि उस खून को पतला करने के नहीं। अक्सर आप में से ये सोचते हैं कि शायद खून को पतला करने की बात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इसके तादाद को कम करने की बात हो रही है। दोस्तों, जब प्लेटलेट्स 7 लाख, 10 लाख, 11 लाख या उससे भी ज़्यादा हो जाए या उस हद को पार कर जाए, तो इस मर्ज को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। दोस्तों, जिन लोगों को थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, उनमें प्लेटलेट नॉर्मल तो होते हैं, अलबत्ता प्लेटलेट्स की जो तादाद है वो इजाफा हो जाता है, और ये इजाफा होना खुद एक समस्या है और ये एक आरजा है। दोस्तों, जब इस मर्ज की वजह एक बुनियादी हालत हो, जैसे कि इन्फेक्शन और आमतौर पर कोई दूसरा जारी बुनियादी कोई हालत देखने को न मिले, तो इस आरजे को थ्रोम्बोसाइटेमिया या इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटेमिया कहा जाता है। अब इनकी वजूहात क्या है? थ्रोम्बोसाइटोसिस की एक अहम वजह तली का ना होना, यानी किसी वजह से तली को सर्जरी करके निकाल लिया हो। याद रखें कि तली प्लेटलेट्स को जखीरा करती है। कल आपने पूछा था कि तली का काम क्या है? काम तो बहुत है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर वो क्या करता है कि प्लेटलेट्स को जखीरा करता है। दूसरी वजह सूजिश या इन्फेक्शन है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की खराबी, सूजिश वाली आंतों की बीमारी, तब देख जैसे हालात प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा एक वजह खून की कमी है, यानी कमज़ोरी भी है, आयरन की कमी और हेमोलिक एनीमिया और शराब का इस्तेमाल, ये चीज़ें बायस बनती हैं कि थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी कि प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाए। दोस्तों, आप देखते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोसिस की अलामत क्या हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। इसमें बहुत से लोग जो है गलतियां करते हैं अलामत को देखते हुए। थ्रोम्बोसाइटोसिस के मरीज शदीद सरदर्द का शिकार होता है। अब जब मैं शदीद सरदर्द के शिकार की बात होती है, तो लोग भाग कर जाते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा चेहरा मुतवर्रम हो जाता है, सूजन हो जाता है, तर्ज गुफ्तगु में तब्दीली आ जाता है, इंसान में एक बदलाव सतत आ जाता है। खुद वो जो इंसान है, खा वो मर्द हो या औरत, वो क्या होता है, वो उलझन के शिकार होता है। सीने में दर्द, फेफड़ों, मैदा, छाती और रहम में नमायां तब्दीलियां देखने को मिलते हैं। सांस लेने में दुश्वारी होगी, मतली होगी, कह हाथ पैरों में जलन का दर्द, इस्तराब, गुस्सा, घबराहट, बेचैनी,
और सबसे बड़ी बात क्या है कि पल में तोला पल में माशा। अभी कुछ और बोला, थोड़ी देर के बाद कुछ और बोलता है। फैसले करने में वो हमेशा बदलता रहता है। अच्छा दोस्तों, क्या है कि कुछ केसों में मुंह, मसोड़े और नाक में उनमें से खून का बहना या रेयर तौर पर खूनी पाखाना होना, लेकिन ये बहुत कम ऐसे मरीजों को देखने में मिलता है। दोस्तों ये एक बुनियादी तिब्बी मसले की वजह से होता है। अगर इस मर्ज को बर वक्त इलाज न किया गया तो ये मर्ज खून को लोतड़े में तब्दील कर जाएगा और लोतड़े जिस्म में किसी भी मुकाम में जाकर ब्लॉकेज कर देगा। ये ब्लॉकेज दिल में भी होता है, दिमाग में भी होता है, जिस्म के किसी भी ऑर्गान में ये हो सकता है। जब ये होगा तब क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाएं कि नतीजा बहुत ख़तरनाक और भयानक होगा। याद रहे कि प्लेटलेट्स की तादाद हद से ज़्यादा होने वाले लोगों को कुछ केसों में कैंसर होने का ज़्यादा चांस रहता है। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल साइंस में इसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है सवाई ये कि खून को पतला करने वाली अद्वियात दी जाती है। अलबत्ता होम्योपैथ हजरात इस मर्ज को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। आप जब कल डॉक्टर बन के जाओगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप भी इसी तर्ज से अपने पेशेंट को हैंडल करेंगे और उसको इलाज कर लेंगे, क्योंकि जहां होम्योपैथी है वहां होप है। अब आते हैं उस मरहले पे जहां पे इसका इलाज शुरू होता है। अब देखते हैं कि इसका इलाज क्या है और किस तरह इसको दवाई दी जाती है। लेकिन आपको तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं दूर दराज बैठ कर मेरी बात को सुन रहे हैं, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं इलाज वो है जो आपका डॉक्टर आपको देखकर आपके केस लेगा और साइन और सिम्टम्स के मुताबिक दवाई तजवीज करेगा। तहम इस मर्ज के लिए जो मफीद मेडिसिन हैं वो मैं कुछ आपको बताऊंगा। अगर ऐसे कोई केस आपके पास आ जाए जिसको थ्रोम्बोसाइटोसिस है, तो इन मेडिसिन में से चंद जो मेडिसिन खास में जो आपको बता रहा हूँ वो आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर एक है चेलोडोनियम। चेलोडोनियम 1 mg में 2 कतरे देने हैं मरीज को, यानी कि हर 6 घंटे के बाद 2-2 कतरे जबान पर टपकाना है, और केस की नोयत अगर ज़्यादा है तो हर 4 घंटे के बाद 2 कतरे जबान पर टपकाना है, और ये होगा खाली पेट में। दूसरी जो मेडिसिन है जो अहम है वो है क्लोस्ट्रीडियम 3x। ये 3x भी हो सकता है, 6x भी हो सकता है। आप इसकी 2-2 गोलियां दिन में 6 मरतबा, बहुत ही ख़तरनाक अगर सूरत हाल इख्तियार है और नया केस है, और अगर पुराना है क्रॉनिक है तो दिन में 4 मरतबा। इसके अलावा है नेक्स वमिका 30 CH पोटेंसी है, ये 3 कतरा दिन में 3 मरतबा आप ज़बान पर टपका देंगे। एक और मेडिसिन है इस मर्ज के लिए वो है आर्निका। आर्निका को तो आप सब जानते हैं उसका काम क्या है, ये खून की फ्लाव को बहुत अच्छा बनाता है। तो आर्निका 200 दिन में 2 मरतबा, 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम को या रात को जबान पे टिपकाने पड़ते हैं। आप ये दवाइयाँ ये मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, कलील मुद्दत में मर्ज इंशाल्लाह ताला कंट्रोल में आ जाएगा और मरीज शफायाब होगा। आप सब अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।